इस बार के चुनाव की एक और खास बात यह है कि लोग कहते हैं ये मुद्दा रहित चुनाव है, मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है मोदी। मुझे जो याद पड़ता है वो ये है कि एक बार और ऐसा हुआ था, यानी जब नेता कोई बहुत शक्तिशाली हो जाता है तब सारा विपक्ष एक साथ उसके खिलाफ आ जाता है, जैसे 1977 में हुआ था। इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली नेता के तौर पर उस समय उभरी थी और जनता पार्टी में सब लोग एक साथ सामने आ गए थे। इस बार भी ऐसा लगता है कि एक ही मुद्दा है और वो है मोदी, और कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव को अगर आप राजनीतिक दल, नेताओं के भाषण और टीवी की टीआरपी इसी के तराजू से तोलोगे तो आप जो कह रहे हैं वैसी छवि बनना का प्रयास चल रहा है। लेकिन अगर आप मतदाताओं के संदर्भ में चुनाव को देखोगे तो आपका अनुमान सही नहीं है। देश के मतदाता को पूरी समझ है कौन देश के लिए काम करता है, कौन खजाने के पाई पाई का उपयोग देश की भलाई के लिए करता है, कौन अपने समय का सदुपयोग सिर्फ सिर्फ देश के वासियों के लिए करता है, और सामान्य मानवीय को इन चीजों का बहुत बड़ी अपील है। उसको लगता है कि भाई हाँ, बड़े अरसे के बाद पता चल रहा है कि देश में कोई प्रधानमंत्री भी होता है। आपने विपक्षी दलों को इतना जबरदस्त तरीके से जो एकजुट कर दिया, ऐसे क्या हालात देश में पैदा हो गए कि इतनी एकता विपक्षी दलों के अंदर आ गई, जो मैं जैसे बता रहा था कि जैसे पहले एक बार हुआ। आपका नाम और आप इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गए? मुझे खुशी होती अगर देश का विपक्ष एक होता। हकीकत यह है कि एक नहीं हुई है, कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन ये शब्द इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि वो मतदाताओं को कंफ्यूज करना चाहते हैं। रियलिटी ये है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की। कोशिश की, वो भी कन्विंस है कि ये मोदी नाम की जो वेव चल रही है उसमें बचना है तो एक दूसरे के हाथ पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन स्वभाव से वे एक दूसरे के विरोधी हैं, हर कोई एक दूसरे को गिराना चाहता है, इसलिए वो एक नहीं हो पा रहा है। और देश की जनता को ये भली भांति चित्र दिखाए भी। अब आप कल्पना कीजिए, एक साल पहले कांग्रेस और सपा ने समझौता किया और आज कांग्रेस वहां वोट कटाव के रूप में उभर करके आ गई। इन्होंने यहां दिल्ली में समझौते के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, समझौता नहीं हुआ। दोनों तरफ से कोशिश चलती रही, समझौता हो समझौता हो, ऑफरें चली गई, सब भेजा गया, नहीं हुआ। कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है।